धरती पे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। लेकिन आज हालात बड़े खतरनाक हो चले हैं, इतने खतरनाक कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की ली हुई 22 प्रतिज्ञा को बोलने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज भारत में संविधान की हत्या की जा रही है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहां से उस संकल्प को तो लू ना लू, लेकिन एक संकल्प इस धरती से मैं जरूर लूंगा। जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं इस धरती से एक संकल्प लेकर जरूर जाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा। मैं समझता हूं कि मैंने अपने महापुरुषों को सिर्फ पूजा नहीं, उनको पढ़ा भी है और उनको पढ़ा है, उनको जाना, उनके दर्द को महसूस किया है कि किस तरह रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमारे लिए व्यवस्था की कि हम इस देश में आजादी से जी पाए। जहां एक तरफ उनके बच्चे जो है दम तोड़ रहे थे, वहीं वो दूसरी तरफ हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे कितने दिन तक इस भारत की धरती में गुलाम बन के जाएंगे, ये आज सोचने की बात है। ये भी सोचने की बात है कि अगर हम सांस ले पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, क्या यही आजादी है? और एक सवाल जो सबसे बड़ा आपके सामने है, अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भारत की धरती से जाने वाला धम, जिसको बौद्ध धम हम कहते हैं, जो दुनिया में गया, जो थाईलैंड गया, जो चाइना गया, कोरिया गया, जापान गया, और वो तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं, वो तमाम देश बौद्ध में हो गए, लेकिन भारत में वही बौद्ध धम जो है वो अल्पसंख्यक में क्यों है? ये सवाल आपने कभी सुझाना? इस सवाल को आपने कभी अपने आप से पूछा?